जय श्री राम गाइस। आईफोन 14 और आईफोन 15, भाई आईफोन 14 अभी आने वाली सेल के अंदर आप लोगों को 46,000 रुपीज से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। मतलब सारे ऑफर लगा देने के बाद आईफोन 14 अभी आने वाली सेल में आप लोगों को 46,000 रुपीज का देखने के लिए मिलेगा। वही जो आईफोन 15 है दोस्तों, उस फोन का बेस वेरियंट दोस्तों आप लोगों को 76 से लेके 77,000 रुपीज के बीच में देखने के लिए मिलेगा। तो क्या आप लोगों को आईफोन 14 लेना चाहिए या फिर आप लोगों को आईफोन 15 के साथ जाना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज है आईफोन 15 के, डिसएडवांटेज है आईफोन 15 के, सारी सारी बातें करेंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यहाँ पर मैं दोनों फोन में वो है दोस्तों परफॉर्मेंस का। आईफोन 14 के अंदर दोस्तों आप लोगों को A15 बायोनिक चिप देखने के लिए मिलती है, वहीं यहाँ पर मैं जो आईफोन 15 है उसके अंदर आप लोगों को A16 बायोनिक चिप देखने के लिए मिलती है। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आईफोन 15 के अंदर आप लोगों को ज्यादा लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेंगे एंड जो iOS के अपडेट्स है वो भी आप लोगों को ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर आईफोन 15 के अंदर देखने के लिए मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ और एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है वो दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप सी को लेके, यहाँ पर मैं जो आईफोन 15 है उसके अंदर आप लोगों को टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि दोस्तों काफी लोगों के लिए एडवांटेज हो सकता है क्योंकि अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसे में दोस्तों काफी सारी यूटिलिटीज ऐसी होती है जैसे कि यहाँ पर दोस्तों माइक हो गया, लाइट हो गया, ये कुछ कुछ चीजों के अंदर आप लोगों को टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइप सी पोर्ट होगा तब यहाँ पर मैं आप लोगों के पास एक एडवांटेज रहेगा कि आप लोग उन चीजों को डायरेक्टली यहाँ पर मैं कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का वैसा कुछ काम नहीं है, अगर आप लोगों को कंटेंट वगैरह क्रिएट नहीं करना, तब ये पॉइंट आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो दोस्तों तीसरा फर्क यहाँ पर मैं आया है वो है दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट को लेके। यहाँ पर मैं दोस्तों और थोड़ा सा इंप्रूव्ड कैमरा आप लोगों को आईफोन 14 से आईफोन 15 के अंदर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा भी ऐसा कोई नोटिसेबल डिफरेंस आप लोगों को आईफोन 14 से आईफोन 15 के कैमरा के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ आईफोन 15 के अंदर आप लोगों को और एक अच्छा फीचर देखने के लिए मिलता है जो कि दोस्तों डायनामिक आइलैंड का। अब ये दोस्तों जो डायनामिक आइलैंड है ये मुझे कोई अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इतना कोई यूजफुल नहीं लगता है, तो यही कुछ दोस्तों एडवांटेज बन जाते हैं आईफोन 15 को लेने के। अब अगर बात कर ले दोस्तों क्या इतने ज्यादा प्राइस पे आप लोगों को आईफोन 15 को लेना चाहिए या फिर आप लोगों को आईफोन 14 के साथ जाना चाहिए, मैं बोलूंगा दोस्तों अगर आप लोगों का बजट जो 60,000 रुपीज भी है तभी भी आप लोगों को आईफोन 14 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आईफोन 14 के अंदर दोस्तों जितनी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी वो सारी चीजों का ही दोस्तों आप लोग जनरली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले हैं एंड ऐसा कोई मेजर फर्क आप लोगों को आईफोन 14 से आईफोन 15 के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा दोस्तों जो फर्क हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि ये था कि यहाँ पर जो आईफोन 15 है उसके अंदर आप लोगों को 60 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, तो आईफोन 15 के अंदर शायद आप लोगों को 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ दोस्तों नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी आईफोन 15 लेना एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आईफोन 15 को नेक्स्ट ईयर परचेस करना चाहिए, अभी आप लोगों को आईफोन 14 के साथ जाना चाहिए, वो आप लोगों के लिए एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी आईफोन 15 एंड आईफोन 14 की अभी आने वाली सेल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को आईफोन 14 या फिर 15 से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी सवाल हो नीचे से कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए मैं नहीं दोस्तों मैं फिर चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।